बॉलीवुड जगतर चुलबुली नायिका माधुरी दीक्षित। से निजर दमदार अभिनय सह नृत्य दर्शक को प्रभावित करे तो दीर्घ समय धरी से बड़ परदारू दूर से रही पारती, किंतु सोशल मीडिया रे कमिनी तांको क्रेज। तेबे एहारी मध्यरे एक खबर सामना को आसी शुणा को मिलू अभिनेत्री एवं राजनेता होगाक जाउछंती माधुरी। सिनेमा जगत रे निजर अभिनय जादू देखा अभिनेत्री खूब शीघ्र राजनीति में प्रवेश करजेपी वर्तमान टार्गेट होधुरी एमती कि गोटी चलाउछंती अमित शाह। बीजेपी रु टिकेट नहीं आगामी लोकसभा निर्वाचन में प्रतिद्वंदिता करे अभिनेत्री। गत किछि दिन हेबो नेतांक सह माधुरी जोगाजोग रेथिले। भारत एवं न्यूजीलैंड मध्यरे चालीथिबा सेमीफाइनल मैच समय रे तांकु महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पावार सह स्टेडियम रे देखिबा को मिलिथिला। तांक सह एनएसपी नेता प्रफुल्ल पटेल एवं बीजेपी नेता आशीष सेलार मध्य मैच उपभोग करथिबा देखिबा को मिलिथिला। केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह सेप्टेम्बर 23 रे मुंबई गस्त करथिले। सेतेबेले से उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बासभवन में एक बैठक करथिले। एही बैठक रे लोकसभा निर्वाचन पई प्रस्तुति आलोचना होइथिबा जणा पडिछि। एहा मध्य कुहा जाउछि जे एहा परे बीजेपी टिकेट रे आगामी लोकसभा निर्वाचन रे माधुरी प्रतिद्वंदिता करिवे ओ वर्तमान दाबी करा जाउछि जे जदि माधुरी दीक्षित राजनीति रे प्रवेश करंती तेबे से उत्तर पश्चिम मुंबई आसन रु निर्वाचन लढिबे। ब्यूरो रिपोर्ट द क्विभर।